हे गाइस, वेलकम टू एवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। सो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पर। और इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बात करें तो अगर आप एन अकेडमी पर IIT जेम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप IIT जेम केमिस्ट्री के जो सक्सेस मंत्र का एक जो सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज से स्टार्ट हुई है 25 नवंबर से। तो तरुण चौहान सर यहाँ पर आपको बेहतरीन जो केमिस्ट्री की नॉलेज है वो आपको यहाँ पर देंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पर आपको टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक पे आप अपनी क्लास ले सकते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पेज खुलकर आएगा सामने, सक्सेस मंत्र का और केमिस्ट्री तरुण चौहान। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस मंत्र केमिस्ट्री सॉल्यूशंस, यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशंस है। और इसके अलावा जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगी 26 नवंबर, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ यहाँ पर 27 नवंबर, यहाँ पे डाउट्स ऑन सॉल्यूशन एंड CP, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो लेक्चर है वो 28 नवंबर को मिलेगा। ऐसे ही वांट्स ऑफ इक्वेशन है तो वो भी आपको 29 नवंबर को देखने को मिलेगी। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा और इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी इस जैसे ही आप इस लिंक को ज्वाइन करते तो आपको डे बाई डे जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे इस पूरी सीरीज को केवल और केवल यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा पूरा कि अनअकैडमी पर किस तरीके से आपको यहाँ पे 1 मंथ 3 मंथ या फिर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड पर ही क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ANUGRAH जैसी टाइप करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टोटली जो अमाउंट था उसका 10% लेस इसमें हो जाता है। देन प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सक्सेस मंत्र की जो सीरीज़ है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैकेट IIT जेम, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट पर और यूनिट के लिए हमारा जानना जरूरी है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। एक हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। अगर कोई भी एक व्यक्ति है जो कि किसी एक पोजीशन में, दौड़ने की पोजीशन में है, ठीक है, और जस्ट आगे की ओर इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है, और मैं यहां पे लिख दूं कि ये इसकी जो वेलोसिटी है, इसके इसका जो वेग है वो 21 है। तो यहां से 21 से मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि ये 21 आखिर क्या है, ठीक है। अगर मैं सीधे लिख दूं वेलोसिटी 21 है, अब 21 क्या है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, ये हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। सेम एज मैं अगर बात करूं कि अगर इसने डिस्टेंस 5 ट्रेवल की है, अब 5 से भी मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि इसने 5 मीटर ट्रेवल करी है या फिर किलोमीटर ट्रेवल करी है, तो इससे कोई आइडिया हमें नहीं लग रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ओके। अब यहां पे मीजरमेंट करना है वेलोसिटी का, ठीक, तो वेलोसिटी का मीजरमेंट किस में करेंगे, या तो मीटर पर सेकंड में करेंगे या फिर किलोमीटर पर आवर में करेंगे। डिस्टेंस का मीजरमेंट करना है तो या तो हम मीटर में करेंगे या फिर किलोमीटर में करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है वो किसका मीजरमेंट है, लेंथ का, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की हम सबसे पहले बात करें तो यहां पर जो मेजरमेंट होता है लेंथ, मास, टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ अगर आप किसी और राशि का मेजरमेंट करना चाहते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम, ठीक है। तो ये सारी राशियां जो है वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब इनको बेसिकली दो टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं,
एक तो हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी आती है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये होता है जो कि अपनी मूल अवस्था में होती है, इसका मतलब जो कभी चेंज नहीं होंगी, जो कभी परिवर्तित नहीं होंगी, यानी कि स्वतः स्वतंत्र होती है, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, मूलभूत राशियां कहते हैं। मूलभूत राशियां बेसिकली सात प्रकार की होती हैं, सेवन टाइप्स की होती हैं, सात प्रकार की होती हैं। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में अभी इसको जानेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। तो अभी क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे लेंथ, ठीक है, लेंथ एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरा मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी के साथ में टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्थ आपका जो आप अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फिफ्थ, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाते हैं, उसकी करंट मेजर कर रहे हैं, तो करंट भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्योति तीव्रता। ठीक है, कोई जैसे लाइट बल्ब जल रहा है, तो उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, तो उसको मेजर करने के लिए एक हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेवंथ, जो कि बेसिकली केमिस्ट्री में आपने ज्यादा सुना होगा, वो क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा को अगर हमें नापना है, तो उसको हम किस में नापते हैं, मोल में, तो मोल एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सात प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मूलभूत राशियां होती है, जिनको हमें जानना है, जिनको हमें पढ़ना है। अब इसके अलावा मैंने यहां पे लिखा हुआ है डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, जो कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जबकि अगर हम देखें डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं द क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, उसकी सहायता से बनाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी इसमें क्वांटिटीज आ सकती है, इनको मिलाकर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने एक यहां पे लिखा हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका एक एग्जांपल हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको मिलाकर के बनाया जाता है। ऐसे ही यहां पर एक्सेलरेशन के साथ में आप फोर्स ले सकते हैं, फोर्स भी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स के अलावा आप वर्क ले लीजिए, एनर्जी, ठीक है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, टॉर्क एक क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, जो कि क्या है, डेराइव्ड है। सेवन, इन सात प्रकार की राशियों के अलावा लगभग जितनी राशियां हैं वो सभी क्या है, डेराइव्ड है। इसमें दो सप्लीमेंट्री भी आते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, जो कि मैं इन दोनों के बीच में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे साइड में लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, जो कि क्या है, ना तो डेराइव्ड में आती है और ना ही फंडामेंटल में आती है। ठीक है, फंडामेंटल में भी नहीं आती और डेराइव्ड में भी नहीं आती, अलग से कुछ राशियां ली गई हैं। तो इसमें एक आता है प्लेन एंगल, और दूसरी क्वांटिटी आती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये दो जो है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो
तो इनको भी हम अलग से पढ़ते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मेजर करने के लिए किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में इन राशियों को मेजर करने का अपना ही एक अलग नजरिया चल रहा था। कोई डंडे की सहायता से लेंथ नाप रहा है, कोई हाथ की सहायता से लेंथ नाप रहा है कि एक बिलस्त है, दो बिलस्त है, इस तरीके से मेजर कर रहा है। ठीक है, हर एक जगह अपनी अपनी अलग सिस्टम चल रहा था नापने के लिए। तब यहाँ पे एक समस्या ये खड़ी होगी कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि एक जगह विशेष में कहीं पर नापने के लिए एक स्टैंडर्ड इस डस्टर को मान लिया गया, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि मेरा जो एरिया है वहां पर लेंथ को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो तो इसको समझते हैं और उनके लिए ये इक्वल भी है सभी के लिए। लेकिन अगर दूसरी जगह हम इसी का इस्तेमाल करें तो वहां के लिए ये क्या होगा, अलग मेजरमेंट की यूनिट होगी, अलग एक डिवाइस होगी जिससे हम मेजर कर रहे हैं। तो वहां वालों के लिए ये समानता नहीं है, ये इक्वेलिटी नहीं है। तो इक्वेलिटी के लिए पूरे विश्व में एक मापतौल विभाग बनाया गया, एक मेजरमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसने ये तय किया कि हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो देखो बेसिकली जो अरेंजमेंट किया गया, जो ये माना गया कि हर एक राशि को नापने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होगी, उस हिसाब से ये माना गया कि स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आपकी SI यूनिट होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलेंगे या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। तो SI यूनिट जो होती है वो हर एक जगह पर एक समान होती है। लेंथ के लिए मीटर है तो मीटर ही है, टाइम के लिए सेकंड है तो सेकंड है। ठीक है, तो हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की जो SI यूनिट है वो डिफरेंट है। ठीक, और वो हर जगह मान्य है। इसके अलावा भी कुछ और सिस्टम चले, SI सिस्टम हमने बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आपका जो और देशों में जिसको अपनाया गया वो क्या थे, CGS सिस्टम। ठीक है, तीसरा यहां पे आ जाता है आपका FPS सिस्टम, और लास्ट जो है जो कि हमारे देश में काफी प्रचलित है वो क्या है, MKS सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सिस्टम को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये तो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावा जितनी भी लिखी हुई हैं ये क्या है, आपकी मास। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लेंथ, उसके बाद मास एंड टाइम, इन तीन चीजों को मेजर करने के लिए बनाई गई क्या है, सिस्टम है। जैसे CGS में क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, तो ये CGS हो गई। दूसरा FPS में क्या हो गया, तो FPS में हो गया फुट, ठीक है, पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, तो वो FPS सिस्टम हो गया जिसमें लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ मास लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में अगर मेजर किया जाए तो उसको हम बोलेंगे MKS सिस्टम। तो ये आपको चार सिस्टम याद रखने हैं बेसिकली किसी भी यूनिट को बनाने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखने के लिए आपको ये चार सिस्टम दिमाग में रखने हैं। बेसिकली SI सिस्टम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए इस क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का SI की SI यूनिट क्या है।